नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। एक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चला रखी है, उस सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले से तीन क्लास हो चुकी है, ये चौथी क्लास है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपके अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी मोटिवेशन से है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। वाह वाह वाह, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। बच्चों, हौसला हारने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर आप ये सीरीज पूरी कर लेते हो तो इससे जितने भी एग्जाम हैं वो सारे साथियों आपके निकल सकते हैं, निकल जाएंगे। इसलिए पूरी ताकत के साथ इस सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये हम सब लोग मनदीप सर के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनका एक बार फिर से धन्यवाद करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कल राजा राम मोहन राय के प्रयासों से राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ है। और किया किसने है तो वो बच्चों किया है ध्यान रखना विलियम बैटिक ने। ध्यान रखना किसने किया है तो ये बच्चों किया है ध्यान रखना विलियम बैटिक ने। तो प्रयास किसके थे? प्रयास थे राजा राम मोहन राय साहब के थे। और किया किसने तो विलियम बैटिक ने किया है बच्चों। तो ध्यान रखना उसमें आ रहा है ऑप्शन, देखो भाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून आया था वो 1829 में आया था। कब आया था बताओ भाई? वो बच्चों आया था ध्यान रखना 1829 में आता है कानून, ठीक है। तो इसके बारे में कल अपन थोड़ी चर्चा की थी, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर होगा बी, ठीक है दोस्तों। यहां तक कहानी समझ आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो साथियों, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना किसने किया तो ध्यान रखना सैयद अहमद खान साहब जो है उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की है बच्चों। ध्यान रखना सैयद अहमद खान साहब ने इस कॉलेज की स्थापना की है। ध्यान रखना सैयद मोहम्मद जो है ये बच्चों अंग्रेजों के वहां पे कलर का काम करते थे और उन्होंने जो है कांग्रेस से अलग बच्चों ध्यान रखना इन्होंने कांग्रेस से अलग जो है अपनी राह चुनी और इन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया पूरा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना सर सैयद अहमद खान साहब ने इस कॉलेज की स्थापना की थी, देखो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो बच्चों ध्यान रखना आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब जो है ना, सबसे पहली बात तो ये मूर्ति पूजा के विरोध में, ध्यान रखना ये मूर्ति पूजा के विरोध में, ध्यान रखना किसके विरोध में है तो ये मूर्ति पूजा के विरोध में है। तो पहली बात तो अपने को ध्यान मूर्ति पूजा और ये जो जितने भी धार्मिक पाखंड है उनके विरोध में, ध्यान रखना उनके विरोध में है, ये इस तरह के अस्तित्व विरोध में नहीं है। ध्यान रखना ये कहता है ईश्वर है लेकिन उसे पाखंड से प्राप्त करना मुश्किल, मतलब नामुमकिन है, पाखंड वगैरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना हिंदुत्व के विरुद्ध नहीं है, इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये बच्चों ध्यान रखना धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, जो तरह तरह के जो पाखंड जो समाज में उसमें चलाए जा रहे थे उनके विरोध में ये बात चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर्य समाज की स्थापना बच्चों होती है 1875 में, ध्यान रखना 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्या कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवनाथ टैगोर, हेनरी विविन डेरेजियो और डेविड हेयर। तो बच्चों ध्यान रखना ऑप्शन बी, ये बच्चों ध्यान रखना ये जो ऑप्शन है ये अपने को ध्यान रखना है, ये युवा बंगाल के जो है वो थे, ये बच्चों कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ध्यान रखना कॉलेज के प्रिंसिपल थे और इनकी जो सोच थी बड़ी, कॉलेज के ही प्रिंसिपल थे बच्चों ध्यान रखना, और इनकी जो सोच थी वो उस समय कैसा कहा जाता है कि उस समय के उससे बहुत आगे थी, ध्यान रखना।
उस समय की सोच से बहुत ज्यादा आगे थी। वहां के उस समय के लोग उनको समझ नहीं पाए, इतने फॉलोअर नहीं बन पाए, लेकिन इनके जो आइडिया था बहुत ही क्रांतिकारी थे। ध्यान रखना, तो इन्होंने एक युवा बंगाल को लेकर आंदोलन चलाया था जिसको बोलते हैं युवा बंगाल आंदोलन। इसके संस्थापक जो है वो बच्चों हेनरी विविन डेरेजियो है। ध्यान रखना, फोर्थ का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, फोर्थ का बी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जाम में आया, ध्यान रखना। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना भारत में कब हुई और कहां हुई, ध्यान रखना। ये बच्चों खुली थी एक्चुअल में 1875 में, ध्यान रखना 1875 में, और इसका मुख्यालय बेसिकली था वो न्यूयॉर्क में था। कहां था बताओ भाई, तो ये बच्चों ध्यान रखना न्यूयॉर्क में था, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। लेकिन इसके 7 साल बाद, खुलने के बच्चों 7 साल बाद, यानी 1882 में, ध्यान रखना, यानी 1882 में, 1882 के अंदर बच्चों ध्यान रखना है आपको, 1882 के अंदर जो है ये बच्चों इसका जो मुख्यालय है वो भारत में खोला गया। और भारत में कहां पे, तो भारत के अंदर अडियार नाम का स्थान है बेटा, अडियार। और अडियार कहां पड़ता है, तो अडियार पड़ता है बच्चों ध्यान रखना मद्रास में, अडियार में खुला, ध्यान रखना। तो 1882 अडियार जो ऑप्शन होगा वो होगा अडियार, ये रहा पहला ही ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पांचवे का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ आ रही चीजें। आगे बढ़ते हैं। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके, पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। बच्चों ध्यान रखना, ये आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो चलाने वाले कौन थे, तो देखना साथियों ये कौन थे, तो ये अपने को ध्यान रखना है, पी त्यागराज नहीं, छत्रपति नहीं, ईवी रामास्वामी नायर। बच्चों ध्यान रखना, ये जो है ये बच्चों ध्यान रखना आमूल चूल परिवर्तन को लेकर के चलने वाले थे। और जितने भी उस समय के, ध्यान रखना, जितने भी उस समय के जो पाखंड थे उस पर प्रहार करने वाले थे, ये शूद्रों को अधिकार दिलाने वाले थे, इनके बारे में जो है चीजों को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ऑप्शन क्या होगा बताओ भाई, सी है, ध्यान रखना। और ये कहते थे कि एक ईश्वर है बच्चों, ध्यान रखना, एक ईश्वर पर फोकस करते थे ये, ध्यान रखना। ये भी राजा राम मोहन राय की तरह जो है एकेश्वरवादी थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक ईश्वर है और ईश्वर का जो स्थान है, जो मंदिर है, वो सबके लिए है। तो इन्होंने ध्यान रखना आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो मंदिरों में प्रवेश करने के लिए चलाया था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है गंगा घाटी, उनमें शामिल है बच्चों, देखना गंगा घाटी, बिल्कुल है सर, गंगा घाटी भी है, दुआब के उत्तर पश्चिम प्रांत ये भी है, ध्यान रखना, मध्य भारत कुछ भाग ये भी है, मराठा ये भी है, पंजाब ये भी है, इन सभी में है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी जो है वो इनका सही आंसर है। कल की क्लास में हम लोगों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां-कहां लागू उनके बारे में बात किया था, तो आज आप लोग महालवाड़ी के बारे में देख लो, इन क्षेत्रों में ये लागू हुई है। ठीक है, इन सवालों का उत्तर देने का मतलब ये साथियों कि आपको थोड़ी सी चीजें और बेहतर तरीके समझ आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम क्या हो को लेकर उठे प्राच्य आंगल विवाद का अंत मैकाले के पपत से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। ध्यान रखना, जो मैकाले ने किस भाषा को समर्थन दिया था, उसके अनुसार किस भाषा का उपयोग जो है वो हमें शिक्षा में करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, उसने मैकाले ने साफ साफ बोल दिया कि हमें जो उच्च स्तर पर, ध्यान रखना, इसने कहा था कि जो प्राथमिक है ना, प्राथमिक स्तर पर, ये तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी जो लोकल भाषा है उसमें कर सकते हो, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, प्राथमिक शिक्षा में तो क्षेत्रीय भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रीय भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एडवांस है, ध्यान रखना, जो तकनीकी पढ़ाई है, जो उच्च स्तरीय पढ़ाई है, जो कॉलेज की पढ़ाई है, उस पढ़ाई के अंदर हमेशा और हमेशा किस भाषा का उपयोग होना चाहिए भाई, अंग्रेजी भाषा का उपयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो बच्चों ध्यान रखना सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही उत्तर है, ध्यान रखने वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता किसी को। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये बच्चों ध्यान रखना किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों ध्यान रखना, सेडलर आयोग 1917, इस रिपोर्ट को बच्चों ध्यान रखना,
जो सेडलर की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को जो है वो कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ठीक है, वुड का डिस्पैच नहीं, 1854 में आया था, याद रखना आपको, हंटर आयोग जो है ये बच्चों ध्यान रखना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ये जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ध्यान रखना शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो सेटलर आयोग है इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, याद करना पड़ेगा। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल एजुकेटिव काउंसिल प्रस्तुत किया जिसे प्राथमिक शिक्षक मान्य करते हैं, कहते हैं, ये बताओ, देखें ध्यान रखना, अच्छा सवाल है बच्चों, अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, ये बच्चों किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ध्यान रखना, ये जो पेश किया था बिल गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। तो आपको पूछे, देखना आपको पूछे कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछे, तब तो बताना है सेटलर आयोग, ठीक है। और अगर आपसे पूछे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1911 में, ध्यान रखना, इस बिल को बोलते हैं, और वो किसने पेश किया था, वो बच्चों किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जी के गोखले ने किया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आता है, शिक्षा से संबंधित आयोग की पहचान करिए, ध्यान रखना, संबंधित आयोगों की पहचान करें। तो इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सभी के सभी जो है बच्चों, ध्यान रखना, हर्टोंग समिति 1929, लिंड से आयोग 1929, सप्रू समिति 1934, सार्जेंट योजना 1944, ये जितनी भी समितियां लिखी है वो सारी की सारी बच्चों ध्यान रखना शिक्षा से ही संबंधित है, ध्यान रखना वो सारी की सारी शिक्षा से संबंधित है। इन सब क्वेश्चन कराने का उद्देश्य ये है कि आपको एक बार में चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए साथियों, ठीक है। तो बिना अपने को ऐसे डीमोटिवेट किए इन चीजों को आप याद कर सकते हो, ये वो सवाल है जिन्हें कोई नहीं करवाएगा क्लास में, ना कोई करता है, इसलिए आपको ये ऑब्जेक्टिव हमें दिए जा रहे हैं, प्लीज आप इन्हें याद कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल, किस सिद्धांत का अर्थ यह है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाएगी, इस वर्ग से छन छन करके शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचेगा, ध्यान रखना ये कौन सा सिद्धांत है। तो ये बच्चों ध्यान रखना ये सिद्धांत कौन सा है, तो ये सिद्धांत है ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं कुआ है, उस कुएं में पानी जो है वो भर के ले जाएंगे लोग, बड़े लोग जो है वो भर के ले जाएंगे, जो पानी नीचे गिरेगा मटकी वगैरह से या जो भी पॉट, उससे पानी जो नीचे गिरेगा वो जो पानी गिरा हुआ पानी उससे जो है बाकी गरीब लोग प्यास बुझाएंगे, इस तरह का सिद्धांत है बच्चों, इस तरह का सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम क्या है, सिद्धांत का नाम है अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ध्यान रखना ये सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखना डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, बोले जब बड़े लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनके घरों में काम करने वाले जो लोग हैं लेबर वर्ग है वो भी शिक्षा ग्रहण कर लेगा, उनको देख देख के सीख लेगा, उनसे थोड़ी बहुत शिक्षा ले लेगा, इस तरह से ये जो है शिक्षा आएगी, सबको शिक्षा देना पॉसिबल नहीं है, ऐसा अंग्रेजों के अनुसार था, ठीक है। तो ये वो सिद्धांत है बच्चों, ऑप्शन ए। अगला, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये बच्चों ध्यान रखना कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने और वह प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की, तो ये बच्चों जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने की थी बच्चों, तो ये की थी ध्यान रखना डेविड हेयर ने, मूल रूप से बच्चों एक गणित शास्त्र थे, और उन्होंने बच्चों ध्यान रखना कॉलेज की स्थापना की थी, और ये जो है इन्होंने बच्चों ध्यान रखना इन्होंने महिला शिक्षा पर भी जोर दिया था, ध्यान रखना इन्होंने जो है महिला शिक्षा पर भी काम किया था, तो ये अपने को ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के क्या कारण थे, ध्यान रखना क्या कारण थे, तो बच्चों अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल कम से कम मूल्य बेचना, बिल्कुल साहब ध्यान रखना वो लोग कच्चा माल कम से कम में लेते थे हमारे से, ठीक है, फिर जो है टोटल कंट्रोल कच्चे माल पर उनका हो गया था, किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है वो सारी चीजें वही कंट्रोल करते थे। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तु भारी आयात कर, और अगर ध्यान रखना इंग्लैंड में आयात की जाने वाली जो भारतीय वस्तु थी
उन पर बहुत ज्यादा कर लगता था, इससे वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती थी, ध्यान रखना। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना कह सकते हैं हम लोग कि उपयुक्त सभी कारण थे जिससे जो है वो उद्योग का पतन हुआ। ध्यान रखना उद्योग में पतन होने में कोई एक किसी एक चीज का हाथ नहीं है, ध्यान रखना ये सबका एक कलेक्टिव जो है वो सहयोग होता है। तो ये सारे कारण है उसके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत में डिसेंट्रलाइजेशन अन औद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी। डिसेंट्रलाइजेशन या प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी, ये आपको बताना है, ध्यान रखना ये आपको बताना है। तो ये बच्चों मानी जाती है, ध्यान रखना ये मानी जाती है ऑप्शन सी जो है वो ध्यान रखना मानी जाएगी आपके, ऑप्शन सी जो है, वैसे यहां बी लिखा हुआ है, बी की जगह सी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना भाई यहां पे 1800 से लेकर के ऑप्शन 1800 लेकर 1850 ये जो ऑप्शन है बच्चों ध्यान रखना, इस हिसाब से ऑप्शन सी होगा ये, तो ये जो होगा ध्यान रखना 1800 ये जो है वो अवधि मानी जाती है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई तो बता सकते हो आप लोग, आराम से बता सकते हो कब प्रारंभ हुई, तो बताओ देखें कोई बता सकता है तो आप में से, ठीक है। तो अभी अपन ने बात की थी, देखो भाई अभी अपन ने बात की थी 1800 प्री, और उसके बाद यहां से जो 1850 से उद्योग लगने स्टार्ट हुए हैं, तो 1850 इज द राइट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर अपने को ध्यान रखना है। अगला बच्चों पॉइंट आता है, सुनिए, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल की टिप्पणी है कि है ना कि इतना दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है, ये किसकी बच्चों ध्यान रखना किसकी स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को बताना है, बताओ देखें भाई, ठीक है बताना है। तो ये बच्चों है लॉर्ड डलहौजी की, ध्यान रखना लॉर्ड डलहौजी का आपने व्यपगत सिद्धांत सुना होगा, ये वही लॉर्ड डलहौजी है बच्चों, व्यपगत सिद्धांत इसको बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ध्यान रखना इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, व्यपगत सिद्धांत है ये, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, बैपिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति, बैपिस्ट त्रिमूर्ति जोसुआ मॉर्समैन विलियम फेरी और विलियम वार्ड ने श्री रामपुर को अपना का चुना, जिसके कारण इन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम जाना जाता है। ये श्री रामपुर स्थित है, ये कहाँ स्थित है वो आपको बताना है, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है, बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है साथियों, याद करो ये वो समय है जब भारत देश की राजधानी बंगाल कलकत्ता हुआ करती थी, तो बंगाल वाला एरिया ना उस समय बहुत फर्टाइल था, तो वहीं पे उद्योग स्थापित करेंगे। तो ध्यान रखें जो श्री रामपुर त्रयी है ना ये कहाँ स्थित है बताओ भाई, बंगाल में स्थित है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र बच्चों उस समय मसालों के लिए बड़ा फेमस था, ध्यान रखना मसालों के लिए, आज भी यहाँ के मसाले बड़े प्रसिद्ध है, ठीक है ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे के निर्माण के क्या कारण थे, तो रेलवे जैसी बड़ी चीज के कारण एक तो हो नहीं सकते, आप खुद समझदार हो, कोई एक कारण थोड़ी होगा, बहुत सारे कारण होंगे। देखना ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न मार्गों से कच्चे माल की आपूर्ति, भाई रेल होगा तो तुरंत कच्चा माल आ जाएगा, जो तैयार माल है उसको तुरंत हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, तो पहला कारण अपने को सही लग रहा है साथियों, पहला कारण अपने को एकदम ठीक लग रहा है। दूसरा, विस्तृत भारतीय समाज को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र बांध रहा, बिल्कुल साहब, कोई बंदा यहाँ कलकत्ता में है और वो दिल्ली जाना चाहता है तो वो जो तुरंत जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये भी ठीक बात है। यहां तक कोई विद्रोह हो गया कहीं पे तो उस विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत सैनिक भेजना है तो आप रेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो तीसरा है बच्चों वो भी ठीक ठाक लग रहा है मुझे, ऐसे हमारा जो आंसर होगा वो होगा बच्चों डी, ध्यान रखना 20 का डी, डी जो है बच्चों वो सही आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, 20 का डी जो है वो सही आंसर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत कहा, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को
भारतीय उद्योग का क्या कहा बताओ, अग्रदूत कहा। तो बताओ देखें, डलहौजी ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा, दादा नौरोजी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा, तो सीधी सी बात है, कल अपन ने कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट पढ़ा था, आज एक फिर कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स कल का स्टेटमेंट कौन सा है, अगर इसको याद हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, अगर नहीं याद है तो साथियों कल क्लास भी देखो, आप लोग इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग नहीं देखोगे तो कैसे होगा, प्लीज उसको भी वॉच करें, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो है इसका सही आंसर है। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित है, कहां स्थापित हुई थी पहली आधुनिक पटसन मिल, तो ये बच्चों हुई थी रिसरा नाम के स्थान पर, और रिसरा कहां है, तो रिसरा बच्चों बंगाल में, ध्यान रखना, रिसरा कहां है, तो रिसरा बंगाल में है। पहली जूट जो मिल है, ध्यान रखना, पटसन या जूट जो मिल है वो कहां स्थापित हुई थी, रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई, कोई इशू नहीं है। पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई, आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई, तो यहां बच्चों देखना, यहां जो है यहां जो है बच्चों ध्यान रखना, बिहार, बिहार के अंदर हुई थी, ध्यान रखना बिहार के अंदर हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों को कवच को, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों में छेद कर दिया जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया, ये कथन किसने कहा, ये कथन किसने कहा, ये कथन किसका है, तो आपको बताना है कथन किसका है, तो बताओ देखें, आप लोग बता सकते हो तो, ये बच्चों कथन ध्यान रखना, इस बार कार्ल मार्क्स का नहीं है, कार्ल मार्क्स का क्या कथन था बताओ भाई, अभी अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, कार्ल मार्क्स कथन क्या था, तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये कथन है कार्ल मार्क्स का, ये कथन है आधुनिक, ध्यान रखना उद्योग का अग्रदूत जननी कार्ल मार्क्स ने कहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है बच्चों ध्यान रखना, ये जो है बुकन का कथन है, ठीक है, ध्यान रखना। इस्पात के आने से इनका जो जीवन है वो छिन्न भिन्न हो गया, इस कहने का मतलब ये है, इस्पात ने इनको, इनके जीवन को एकदम खत्म कर दिया है, ध्यान रखना, इनके जीवन को हास कर दिया है, ये मतलब इन कहने का, ठीक है। तो आज के अंतिम सवाल की ओर करते हैं साथियों, देखना अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये बच्चों आपके हो जाते हैं अधिनियम, और ये किस वर्ष पारित हुए थे वो है, ध्यान रखना, ठीक है, किस वर्ष हुए थे। तो बच्चों आपके लिए बड़ी खुशखबरी बात है कि ये जो कास्तकर अधिनियम है वो 85 में आया था, ध्यान रखना, अवध लगान अधिनियम है वो आया था 86 में, दक्कन कास्तकर अधिनियम है वो आया था 79 में, और ये आया था बच्चों ध्यान रखना 1883 में। तो चारों एकदम सही चीज है, तो ए का ए, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, प्लीज वीडियो को आप जरूर जरूर से शेयर करें दोस्तों के साथ, और एक बार पुनः रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज यदि आप चैनल नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।